मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा देर रात इंदौर मध्य प्रदेश के बनाए गए नवागत चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का स्वागत करने इंदौर पहुंचे थे। आज प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा इंदौर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आज पार्टी कार्यालय में होने वाली केंद्रीय मंत्री के साथ इंदौर शहर के नेताओं की बैठक को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जमकर अपने जुबानी हमला बोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर यह हमला बोला। वीडी शर्मा ने कहा, दिग्विजय पर हुई एफआईआर पर कहा कि कांग्रेसियों खासकर दिग्विजय सिंह में अंग्रेजों और मुगलों के जींस हैं। भारत के अंदर यह सामान्य घटना नहीं है, ये षड्यंत्र रचने वाली दिग्विजय सिंह सिर्फ झूठ परोसते हैं, वातावरण को बिगाड़ना, माहौल को खराब करना चाहते हैं। दिग्विजय की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं बीडी शर्मा ने कहा कि 2023-24 में प्रदेश के नए प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर इतिहास रचेंगे। तो बीडी शर्मा ने बंगाल में हुई चुनाव हिंसा को लेकर कहा कि टीएमसी अब राजनीतिक दल नहीं रहा, अब वो गुंडों का दल बन गया है। आदिवासियों पर घटना पर कहा, सीएम ने इस पर प्रभावी कार्यवाही की। अपराध करने वाला सिर्फ अपराधी किसी दल समाज का नहीं, तो वही सीधी की घटना का वीडियो हमारी जांच कमेटी में सच सामने आया। कांग्रेस की सरकार के समय ये वीडियो बना था। प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी इंदौर पधारे हैं, उनका पहले से रूटीन कार्यक्रम था। हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में एक ऐसे वरिष्ठ नेता जो चुनाव में हर दृष्टि से पारंगत हैं, संगठन काम से लेकर के सरकार तक उनका व्यापक अनुभव है, इसलिए आदरणीय भूपेंद्र यादव जी इंदौर पधारे हैं। हम सब लोगों ने उनका स्वागत किया है और उनके नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के काम व्यापक तौर पर हुआ है, उसमें आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के साथ हम सब मिलकर के अब 2023 और 24 में मध्य प्रदेश में भी इतिहास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक बात में आज अल्पसंख्यक समुदाय के गुंडों ने एक दलित समाज के भाई और केवट जो हमारे समाज का भाई है उसको बिस्टा खिलाई, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के मुंह पर मुसली जाते, एक शब्द नहीं आप बोलते, वो दलित नहीं है। सागर के अंदर आपकी सरकार थी, दलित भाई को जिंदा जला दिया गया था। कमलनाथ जी, आपका मुंह सिल जाता है। केवल आप तुष्टीकरण की राजनीति हर कीमत पर करना कि वोट बैंक और वातावरण कैसे बिगाड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी दलित समाज से लेकर आदिवासी भाई और बहनों के लिए कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आपके वातावरण बिगाड़ने से, भ्रम फैलाने से आदिवासी समाज के भाई और बहन भी आपको अच्छे तरीके से जानते हैं। 15 महीने में और 2003 से पहले आपको गहराई के साथ देखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आपका दुरावस्था का दौर कैसा था, लेकिन इस प्रकार के वातावरण बिगाड़ने का प्रयास कांग्रेस कर रही है और ये झूठ परोसना ये अत्यंत घातक है। मध्य प्रदेश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ और कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के प्रति हम अलर्ट रहें और समाज में भी इस प्रकार का जो भ्रम फैलाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है वातावरण बिगाड़ने का, इसके बारे में हमें बहुत गंभीरता के साथ पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों पर हमें निगाह रखने की जरूरत है। कांग्रेस के लिए सर के बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार का झूठ परोसना, मैंने कहा ना कानून अपराध तो है ही, ये समाज का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है। बंगाल में जो चुनाव जो करना था प्रभावी से प्रभावी कार्रवाई की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कौन सा दल है, कौन सा समाज है, कौन सा धर्म है, भारतीय जनता पार्टी नहीं देखती। अगर किसी ने अपराध किया है तो अपराध करने वाला अपराधी है, वो किसी का नहीं होता, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन कांग्रेस दोहरा चरित्र बनाती है। देखिए, कोई भी कहीं भी जांच चल रही हो, ईडी के अंदर जो होगा और ईडी के अंदर जो पाए जाते होंगे, ईडी कोई
किस बात की एजेंसी नहीं है। कांग्रेस को चिंता क्यों होती है? आप अगर अच्छे हो और आप गलत नहीं हो तो क्यों चिंता करते ईडी की? तो इसलिए इस दिशा में ईडी अपना काम कोई सरकारों के सहारे पर नहीं करती, वो स्वतंत्र एजेंसी है, संविधान के तहत स्वतंत्रता से वो काम करती है। बंगाल के अंदर टीएमसी ये कोई राजनीतिक दल नहीं बचाया। पहले चुनाव में भी यही हालात थे, विधानसभा के चुनाव में भी भरपूर ये जो कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी थी, जो कम्युनिस्टों का आतंक था, वही आतंक टीएमसी ने बंगाल के अंदर जो आज शुरू किया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टी ने गुंडों का एक दल बनकर के टीएमसी खड़ा हो गया है। बंगाल की जनता देश के लोकतंत्र में जिस प्रकार से आज देख रही है और पूरा भारत भी बंगाल को देख रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था बंगाल के अंदर दुरावस्था के दौर में है। इसके ऊपर भी गंभीरता से सरकार को, देश को, सोचने वाले लोगों को विचार करने की जरूरत है। न्यायालय ने जिसे फांसी दी, ये उसे फेक एनकाउंटर कहने वाले व्यक्ति हैं और उसके गले लगते थे, तो ये दिग्विजय सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। फूट डालो, राज करो, जो मैंने पहले ही कहा था, कांग्रेसियों के खून में और खासतौर पर दिग्विजय सिंह के खून में अंग्रेजों के जींस तो हैं ही, मुगलों के भी जींस हैं। तो ये जो वातावरण बिगाड़ने का प्रयास है, ये दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। जो वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, इनका जवाब मध्य प्रदेश की जनता, इनके झूठ और छल कपट को, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो।